क्वाड्रा किल बाय महेंद्र। ये महेंद्र तो महेंद्र सिंह धोनी निकले भाई, क्वाड्रा किल कर दिया यहाँ पे महेंद्र ने, टेक अ बाउ। हेलो अरविंद, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम डी आर्मी में, मैं उडी अगोरी। तो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी मस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि हमने न्यू लाइनअप ट्राई की थी डी महेंद्र की लीडरशिप में, जिसमें अपने शिवम भाई थे और सक्षम थे और बैड बॉय थे। तो क्रिटिकल एक्स का टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसमें उन्होंने भाई क्या ही घमासान मुकाबला किया है। जो FFIC की टीम थी हमारी, जो FFIC के चैंपियन थे हमारे, जो विजेता टीम थी टीम इलिट के साथ, और भाई उनके अगेंस्ट में जो मैच निकाला है, और पहले ही मैच में इन्होंने साबित कर दिया कि इनका गेम प्ले भाई काफी सॉलिड है। और अगर बात करते हैं तो रोकी भाई ने भाई क्रिटिकल एक्स की जो भी टूर्नामेंट हो रहा है उनकी कमेंट्री की थी, और उन्होंने भाई वो इनका मैच देख के चौंक गए, लिटरली मतलब शॉक हो गए, यार क्या ही मुकाबला किया है। और महेंद्र भाई का जो लीडरशिप था वो भाई हैट्स ऑफ था, क्योंकि पहले टूर्नामेंट की अगर बात करें तो पहले ही टूर्नामेंट में गए थे और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, न्यू लाइनअप थी हमारी, लेकिन फिर भी FFIC की चैंपियन टीम के अगेंस्ट उन्होंने मैच निकाला। पर टीम इलिट की भी अगर बात करते हैं गाइस, तो उनके लिए कोई हेट वगैरह नहीं, ये जस्ट एक मैच होने वाला है, और मैच की मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूं और इसी से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। तो गाइस कोई भी हेट वगैरह नहीं उनके लिए भी, और आप भी कमेंट वगैरह करके उन्हें मतलब ऐसे कुछ मत करना कि हेट टीम इलिट वगैरह वगैरह, इन चीजों से भाई दूर रहना, क्योंकि सिर्फ ये एक मैच की क्लिप होने वाली है। तो चलिए मैं आपको मैच की क्लिप दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले गाइस जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। जिसने गाइस अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो आपको पता है भाई आपके लाइक है ना काफी मोटिवेट करते हैं मेरे को। तो गाइस जाके भाई लाइक भी कर दो और कमेंट तो भाई भर भर के आ रहे, तो भाई जितने हो उसके ना कमेंटों की बहुत जरूरत है मेरे को, इतने बहुत सारी मोटिवेशन की जरूरत है। तो जल्दी जल्दी जाके कमेंट भी कर दो और मैं आपको जल्दी से वो क्लिप दिखा देता हूं। और भाई घमासान जो मुकाबला किया टीम डी ने, वो खुद आप भी देख लीजिए। एक तरफ एक ऐसी टीम है जो इंडिया की नंबर वन क्लैश स्क्वाड टीम होने का दावा करती है, जो की है टीम डी, जिनको कई लोग पसंद भी करते हो। क्लैश स्क्वाड में इनका रुतबा, इनका जो ऑरा है वो काफी मजबूत है, लेकिन उनके सामने जो टीम आ रही है वो टीम है FFIC चैंपियन डी एलीट। मौका मिला, पहाड़ी नॉकआउट हो गए यहां पे, स्नाइपर गॉड पहाड़ी नॉकआउट और खेल खत्म। यहां पे टीम डी के महेंद्र ने 1v1 भारत के स्नाइपर गॉड को मात दे दी, लेकिन याद रहे अभी तक स्नाइपर गॉड के पास स्नाइपर थी नहीं। टीम एलीट ने यहां पे पहला राउंड 1-0 से जीत लिया। ये बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होगा। एक तरफ टीम डी है वेरी डेंजरस, डी फॉर डी, और उनके सामने एक ऐसी टीम जिनकी क्या ही तारीफ कर रहे हैं अब और जी, क्योंकि ये है विनर्स ऑफ द FFIC। स्नाइपर गॉड पहाड़ी के पास ज्यादा मौका नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अकेले पहाड़ी 1v2, स्नाइपर गॉड पहाड़ी 1v2 और क्वाड्रा किल बाय महेंद्र। ये महेंद्र तो महेंद्र सिंह धोनी निकले भाई, क्वाड्रा किल कर दिया यहां पे महेंद्र ने, टेक अ बाउ टीम डी। ओ माय गॉड, डी महेंद्र ने टीम लीड को दिया मुंहतोड़ जवाब। डी फॉर जी गाइस, डी फॉर डेंजरस, डी फॉर टीम डी, जी गाइस द डेंजरस टीम डी दिखाते हुए अपना जलवा, और FFIC चैंपियंस को अपने दम पे क्वाड्रा किल करके मारा है डी महेंद्र ने। वाओ, क्या बात है। मैं सीटी मार नहीं सकता, आप में से किसी को आता है तो बजा दीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्लच था वो महेंद्र के सामने। स्नाइपर गॉड को दोबारा से यहां पे घेर लिया। पहाड़ी हैज बीन नॉकआउट, पहाड़ी हैज बीन किल्ड। डी महेंद्र एक अकेला खिलाड़ी जिन्होंने नाक में दम कर दिया FFIC चैंपियंस के, महेंद्र को मात दिए बिना एलीट यहां पे अपना विजय रथ का जो अभियान है वो शुरुआत नहीं कर पाएगी। इस टूर्नामेंट में अगर जीतना है एलीट तो यहां पे पहले महेंद्र को मात देनी पड़ेगी। महेंद्र रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्या खेल रहे महेंद्र। अरे भाई क्या बात है, आइकॉनिक बिल्कुल अकेले, मिस्टर आइकॉनिक एंड एक बार फिर से महेंद्र, दिस टाइम विद अ ट्रिपल किल। पिछले राउंड में क्वाड्रा, इस राउंड में ट्रिपल किल। अगर यहां पे टीम डी से जीतना है तो FFIC चैंपियंस टीम लीड को सबसे पहले ये कमाल का खिलाड़ी डी महेंद्र का इलाज करना पड़ेगा, अन्यथा यहां पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीतना। ओ माय गॉड,
यहां पे डी महेंद्र ने एफएफआईसी चैंपियंस को अकेले अपने बलबूते पे पीछे कर दिया है। अगर महेंद्र चाहे तो आज एक इतिहास रच सकते हैं। एफएफआईसी चैंपियंस को लगातार 3 राउंड में 8 किल कर चुके हैं ये अकेले सिंगल हैंडेडली। महेंद्र हैज अर्नड एवरीवन्स रिस्पेक्ट। महेंद्र टीम लीड को अकेले बचा। जी जी बिल्कुल, हैशटैग एमएसडी लग रहा है। ओह माय गॉड, हैशटैग एमएसडी लग रहा है गाइस, एमएसडी लग रहा है यहाँ पे। भाई साहब, पाड़ी बना महेंद्र, महेंद्र बना पाड़ी। क्या बात है, क्या बात है, महेंद्र अकेले मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे। महेंद्र बनाम पाड़ी, डी महेंद्र बनाम पाड़ी। महेंद्र, ओ क्या बात है महेंद्र, और यहाँ पे महेंद्र की लाजवाब वापसी। आइकॉनिक बिल्कुल अकेले, और टीम डी, वो 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 डबल स्नाइपर्स के साथ थे पाड़ी, उसके बावजूद भी यहाँ पे बैड बॉय और महेंद्र की जोड़ी ने यहाँ पे एलीट को बराबरी का टक्कर दिया और 3-3 की बराबरी पे ला दिया। डी महेंद्र इज द एमएसडी फॉर टीम डी। माय गॉड, ओ माय गॉड, और एमएसडी 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 चैट में चल रहा है। जी गाइज, नॉर्मली बाकियों के चीयर तो होते, क्या आज हम चीयर करेंगे एमएसडी एमएसडी MSD, come on guys, can you see the hashtag for MSD? MSD, क्या डी महेंद्र आज इतिहास रचेंगे? क्या टीम डी का ये नौजवान खिलाड़ी आज FFIC चैंपियंस को मात दे के अपनी टीम को क्वालिफाई करा पाएगा? टीम लीड ऑन पेपर बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन रुकिए जरा, वापसी वापसी कर ली यहाँ पे टीम डी ने। उज्जवल भी डाउन है, टीम लीड को यहाँ पे वापसी करने का मौका जो था उसको अब छीन के टीम डी अपने खाते में ले रही है। टीम डी लाजवाब, आइकॉनिक और पहाड़ी की जोड़ी क्या कोऑर्डिनेट कर पाएगी? पहाड़ी के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और महेंद्र को देखिए, पहाड़ी को ऊपर जाके मारना चाहते हैं, पहाड़ी को ऊपर जाके मारना चाहते हैं, पहाड़ी पे हमला। ओह माय गॉड, हेडशॉट ऑन पहाड़ी। महेंद्र ने कहा आपने मुझे निशाना बनाया तो अब मैं आपको बनाऊंगा, मैं नहीं छोड़ रहा आपको। मिस्टर आइकॉनिक, भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी यहाँ पे मुसीबत में, भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी यहाँ पे मुसीबत में, दो तरफा हमला होते हुए। महेंद्र 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 एमएसडी आगे बढ़ते, एमएसडी के पीछे से हमला कर दिया यहाँ पे पहाड़ी, साइड पे गॉड पहाड़ी ने महेंद्र को नॉक कर दिया। बहुत ही जबरदस्त है पत्ता, लेकिन 4-4 की बराबरी। टीम डी इज वंस अगेन बैक इन द कॉम्पिटिशन भाई बहन, क्या बात है, क्या बात है। महेंद्र बोलते भाई साहब, महेंद्र के लिए इंसेंट रिस्पेक्ट गाइस। एमएसडी 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 चल रहा है चैट में। उज्जवल ने कमर तोड़ दी, और यकीन मानिए मुझे लगता है ये राउंड एक तरफा जीत जाएगी लीड, क्योंकि वन साइडेड गेम लेके जा रहे हैं एमएसडी अपने फेवर में। आइकॉनिक इज ऑल अलोन, और यहाँ पे टीम डी ने जबरदस्त जो है चाल चली और फंसा लिया। टीम डी ने यहाँ पे फंसा लिया टीम लीड को अपने जाल में। एफएफआईसी चैंपियंस के सामने, क्या टीम डी लीड पे जाएगी? क्या यहाँ पे इतिहास रच देगी टीम डी? ओ आइकॉनिक, ओ माय गॉड, टीम डी इज बैक 5-4, टीम डी इज ऑन लीड, टीम डी इज ऑन लीड, टीम डी इज ऑन मैच पॉइंट, टीम डी मैच पॉइंट पे आ चुके हैं। याद है 11 राउंड का जो है खेल होता है, तो गाइस यहां पे अगर आप देखें तो टीम डी के पास मैच पॉइंट, अगर ये राउंड टीम डी जीती तो टीम लीड विल बी एलिमिनेटेड, लेकिन अगर 5-5 की बराबरी हुई तो इट विल बी द शो टाइम। टीम डी के इस लाजवाब कॉम्पिटिशन, स्पेशली डी महेंद्र एमएसडी जिनको कहा जा रहा है, एमएसडी के उस परफॉर्मेंस के बाद महेंद्र के अलावा पूरी टीम रवाना। और भाई डी महेंद्र विद अ फैंटास्टिक हेडशॉट, डी महेंद्र 1v3, डी महेंद्र आगे बढ़ते हुए, टीम डी के महेंद्र, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माय गॉड, इट्स शो टाइम गाइस। इनमें से कौन सी टीम जीतेगी यहाँ पे? कमेंट सेक्शन को उड़ा के रख दो, बताओ किस तरफ हो, किस तरफ है आपकी लॉयल्टी, वेदर इज गोइंग टू बी टीम एलीट और वेदर इज गोइंग टू बी द टीम डी। डी फॉर डेंजरस, डी फॉर डी, ओ माय गॉड, यहाँ पे आर्या पार की लड़ाई। टीम डी के आते ही यहाँ पे मुकाबला बिल्कुल, आरडीपी डाउन, आरडीपी डाउन, एलीट इज ऑन अ बैकफुट, एलीट बैकफुट में है, टीम लीड बैकफुट में, स्नाइपर गॉड पहाड़ी को बड़ा फैसला लेना है। पहाड़ी और आइकॉनिक
की जोड़ी क्या यहाँ पे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाएगी। और यहाँ पे बहुत ही इंटेंस बैटल चलता हुआ, टीम डी के दो खिलाड़ियों ने पोजीशन ले लिया है। थोड़ी सी लंबी सांसें, नर्वस इंटेंस मूवमेंट, कौन क्वालिफाई करेगा, टीम डी या फिर टीम लीड। बहुत ही भयंकर मुकाबला चलता हुआ यहां पे, दोनों टीमें पसीने से लथपथ, कोई एक ही टीम जीतेगी यहां पे। नर्वस मूवमेंट, इंटेंस मूवमेंट, बिल्कुल बराबरी के मुकाबले में यहां पे दोहरा हमला। एलीट की चाल, बहुत ही बेहतरीन टीम एलीट की चाल, नहीं बात नहीं बनी 1v2। यहां पे टीम डी ने हरा दिया टीम एलीट को। ओ माय गॉड, टीम एलीट को हरा दिया टीम डी ने। एलीट हैज बीन डिफीटेड, वुड यू बिलीव दैट, टीम एलीट हैज बीन डिफीटेड बाय टीम डी। Oh my God! History has been made. Hashtag MSG, MSG, MSG. D Mahendra, take a bow. Well played, Team D. एक कांटे की टक्कर में FFIC champions को हराकर Team D जा रही है next round की ओर. Congratulations to Team D. What a epic, incredible performance. Well played.